चलो ध्यान दो। तो हाँ, तो मैं मैथ्स के बारे में डिस्कस कर रहा था आप लोगों से। तो मैट्रिक्स अभी शुरू हुआ है या मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज वगैरह हो गए? मैट्रिक्स लास्ट है, इसके बाद डिटरमिनेंट। 7 बजे से पढ़ोगे मैथ, 7 से 8:30। सब मैथ कैलकुलस स्टार्ट करवा देते 7 से 8:30 में। 7 से 8:30 में मैथ, 8:30 से जो 10 आपका बाकी है सारा, टिकोगे? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जब ही खत्म होगा तो फिर लास्ट वाला क्लास को होल्ड करके कैलकुलस फिर इसर से स्टार्ट करवाते। आप लोग का बैच को भी बस बुधवार को फिजिक्स वाले एक सर और आ रहे हैं, तो हम लोग एक बैच जो हमारा संकल्प है या फिर जो पैकेज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अलग बैच बना देंगे, और एक जो बच्चे पैकेज नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम एनसीईआरटी और बोर्ड मॉडल का प्रैक्टिस शुरू करा दें, एक ही क्वेश्चन बार बार। अब मान लो जो उस लेवल पर मेहनत नहीं कर रहे हो तो हम कम से कम बोर्ड में तो अच्छा मार्क्स आए तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग शुरू करेंगे। बाकी जो लोग पैकेज बनाएंगे, पैकेज पढ़ेंगे, तो पैकेज वाला बैच में ही हम लोग उनको बैठिए पढ़िए तैयारी कीजिए। जो वो बैच होगा उसमें 90-90 मिनट का 4 क्लास दे देते हैं, इसमें आपका 1-1 घंटे का 4 क्लास दे देते हैं। 1-1 घंटे का 4 क्लास, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ बायो, 1 घंटा इंग्लिश, और एक्स्ट्रा मैथ भी हो जाएगा। तो कल मैथ वाले बच्चे 7 बजे से आ जाएंगे? हाँ, 7 से 8:30 पढ़ लोगे, लेकिन केमिस्ट्री भी डबल है ना, चलेगा इतना? हाँ पढ़ लेगा, इतना क्या जाता है। बायो वाले आके क्या करेंगे? बायो वाले तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे ना उस टाइम में जेनेटिक्स। ना अगर ये होगा प्रयास करेंगे, अभी तो 11th वाला भी पोर्शन भी पढ़ाना है ना, तो पहले ये सब हम लोग का हो जाए। अभी आप लोग का सिलेबस में सिलेबस मेरा ही फिजिक्स का थोड़ा मेरे मन में काफ़ी थोड़ा पीछे हो गया है। वो बीच में हम सर को क्लास अगर नहीं दिए रहते तो मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म रहता, तो अब कोई नहीं, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा फर्स्ट वॉल्यूम हम लेके ही अब कंटिन्यू चलेंगे। अब आएगा तो केमिस्ट्री का क्लासेस और फिजिक्स क्लासेस को डबल कर देंगे, बाकी मैथ वायो भी चलने दीजिए, 11th का रिवीजन भी ज़रूरी है, तो सब शेड्यूल बनाते हैं। तो कल ऐसा करो कि कल 8:30 से क्लास है तुम लोगों का मेन क्लास, 7 बजे आ जाओगे ना? कोई दिक्कत नहीं, आ जाना मैथ्स वाले सारे बच्चे जो मैथ्स पढ़ेंगे। तो कल कैलकुलस स्टार्ट उनसे करवाते हैं, कैलकुलस का जो एकदम फाउंडेशन है वहाँ से स्टार्ट होगा। रिलेशन फंक्शन तो आप पढ़े हुए हैं ना, क्लास 11th हम पढ़े हैं, हाँ, तो 12th का जो पोर्शन होगा उस पोर्शन को रिवीजन कराते हुए स्टार्ट करवा देते हैं क्या? चलो ठीक, हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग ख़त्म कर लिए, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, ध्यान से सुनना है सब लोग, फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस अलोंग लेंथ अलोंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वेरियस टाइप के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने सॉल्व भी किया, उसका डिस्कस भी किया। तुम लोग का एग्ज़ाम कैसा गया? बनाए फिजिक्स बनाए सब? हाँ, सबसे ज़्यादा फिजिक्स बना। तुम लोग का सब चुप हो, कौन कौन लोग एग्ज़ाम दिए थे? बनाया सब? तो चलो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोगों का अब एक हम अब प्योर खाली पोटेंशियल पे लेंगे, एक गॉस थ्योरम पे, एक मान लीजिए इस पे, और बाकी सब का भी मान लीजिए कि चीज हम लोग शुरू करें। हम लोग तभी आर इक्वल टू सुनो, आर प्रोपोर्शनल एल, आर प्रोपोर्शनल 1/a और आर प्रोपोर्शनल L/a, और वहाँ से आर इक्वल टू रो L/a हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? तो चलिए, तो उदास मत हो, पढ़ो, हम तो बोले ही अगस्त तक सिर्फ तंग करेंगे बस, सितंबर से फिर हम लोग नॉर्मल आ जाएंगे, अगस्त सितंबर 2 महीना बस। चलो ध्यान दो, क्या कुछ बोल रहा है? अब बहुत सारे बच्चे तो रेगुलर क्लास भी नहीं आते ऑन टाइम, अभी पढ़ लो, 2 महीना का मामला है, ध्यान इधर छोड़ ना, उधर तू उधर का बात छोड़ ना, हमसे बात करना छोड़ ना, हम है ना भैया, देखो हम तुम लोग से पूछ के ही किए हैं, तुम्हारे लिए ही किए हैं, नहीं भी अगर आओगे तो भी सिलेबस ऑन हैंड है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ लोगे तो लास्ट टाइम में रिवीजन उतना कराएंगे। और मेरा मानना है कि सिलेबस एक बार पढ़ने से एग्ज़ाम बढ़िया नहीं होता है, एक बार रिवीजन हो जाने से एग्ज़ाम बढ़िया होता है। तो मैथ्स के भी सर आए, मैट्रिक्स मेरा बीच में है, तभी उसको होल्ड कर देंगे, फिर वो चैप्टर रखा रह जाएगा। तो मेरा विचार है जो भी रिलेशन फंक्शंस, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है,
जबरदस्ती नहीं है। संकल्प बैच वाले जो बच्चे हैं वो 7 बजे में आ जाइए, प्रेरणा वाले बच्चे जो है वो होल्ड कर लीजिए, बैच जब अलग होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो, हम तो अभी तक तुम लोग को कंबाइंड करके ही पढ़ा रहे थे कि तुम लोग ज़्यादा पढ़ लोगे, लेकिन पढ़ने के लिए रेडी तुम ही लोग नहीं हो। अभी समस्तीपुर में मेरे अलावा छोड़ो ना, हम जितना कंटेंट पढ़ा रहे हैं अब तो ऑनलाइन यूट्यूब पे भी डाल देते हैं ना, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया के फैकल्टी टॉप टॉप इंस्टीट्यूट के भी अपने लेक्चर्स को डाले हुए हैं यूट्यूब पे। ठीक है, अपने इधर थोड़ा व्यू अभी कम जा रहा है, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन मेरे लेक्चर और उसके लेक्चर को मिला लो। अगर कंटेंट तुमको कहीं कमी लगता हो तो बताओ, अपने साइड से कहीं भी नहीं छोड़ते हैं, एक लाइन भी नहीं, जिसके चलते बोर्ड के कारण देखते हो रेफरेंस सामने में रखे हुए हैं कि जो बात नहीं भी जरूरी है वो बात भी नोट इसलिए कराते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी टॉपिक ना छूटे, सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम नहीं पूछेगा, थ्योरी पूछ देगा तो थ्योरी लिखा हुआ रहेगा कॉपी में, प्रैक्टिस किए हुए रहोगे तब ना, सब कुछ करते हैं। तो तुम लोग इसका कितना फ़ायदा उठाओगे ये तुम लोगों पे है। आर इक्वल टू रो एल वाई ए किया ना, तो चलिए यहाँ से स्टार पॉइंट बना के लिखिए वी नो दैट। अब हम लोग रेसिस्टिविटी का थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ये लिखिए वी नो दैट आर इक्वल टू रो L by A, the resistance of conductor also depends upon the nature of material and temperature of the conductor, nature of the material and temperature of the conductor. Rho is from above equation, rho is a constant of proportionality. Above equation rho is a constant of proportionality, rho is a constant of proportionality. And also known as a specific resistance, and also known as a specific resistance or electrical resistivity of the material of the conductor, or electrical resistivity of the material of conductor। तो चलो प्यारे बच्चों, इस रो के बारे में हमने क्या बताया कि या तो इसको आप कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलिए, या आप स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलिए, या इसको इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बोलिए। तो हमने जब आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल का जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया तो हम लोगों को मिला हुआ है आर इक्वल टू, ध्यान से सुनना है, आर इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, तो मेरा रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर गोज टू इंक्रीज देन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर विल आल्सो इंक्रीज। फिर हमारा आर प्रोपोर्शनल 1/a आया, यानी रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन ऑफ द कंडक्टर वायर, इफ एरिया ऑफ क्रॉससेक्शन ऑफ द कंडक्टर वायर गोज टू इंक्रीज देन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर विल डेफिनेटली डिक्रीज। एंड फाइनल कंक्लूजन हमारा है एन ए एन ई स्क्वायर, है ना, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय ए एन एन, आर इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लेंथ ए एन ए स्क्वायर टाओ, है ना, ये आपका, समझ रहे हो बातों को, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो चलो अब यहाँ से भी बाय आई हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपका है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका और इसका मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसका नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, जो अभी हम डिस्कशन स्टार्ट किए हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग हमको ये पता चलेगा कि उसके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और लास्ट वाला जो आपका रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर, इफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर गोज टू इंक्रीज देन द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गोज टू इंक्रीज आफ्टर गेनिंग द थर्मल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड विथ हाई वेलोसिटी टुवर्ड द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, देन आफ्टर रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज टू डिक्रीज एंड ड्यू टू द डिक्रीजिंग ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल डेफिनेटली इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब चलो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब जो मैंने डिस्कशन आपको कर दिया कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और आपको
टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन ओनली कि नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, इफ ध्यान देना, इफ न्यूमेरिकली अगर मान लीजिए लेंथ अगर हम लोग वन ले लेते हैं, यानी बोले तो वन मीटर ले लेते हैं, ऐसा यूनिट में तो वन मीटर ही लोगे ना, अरे हाँ या ना। और आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हम लोग यूनिट वाइज में यूनिट वन ले लिए हैं, मीटर मतलब यूनिट इसका जो है ऐसा यूनिट का फॉलो करेंगे, लेकिन हमने लेंथ भी लिया है यूनिट और हमने एरिया भी लिया है यूनिट, देन आर इक्वल टू क्या, रो, देन आर इक्वल टू। तो फ्रॉम द एवर कंक्लूजन वी कैन कन्फर्म से दैट, या वी कैन से दैट कि रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, ध्यान से सुनना है, कि जब ए इक्वल टू वन यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा यूनिट है यानी वन मीटर स्क्वायर, और मान लीजिए कि हमारा लेंथ जो है अगर हमारा वन मीटर है तो टोटल वायर का वॉल्यूम कितना होगा, वन मीटर क्यूब होगा। तो रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट यूनिट क्यूब या रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर वायर इज नोन बाय स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। लिखो इसको पहले, इफ फिर मैं नोट कराता हूँ, आर इक्वल टू रो आ गया ना, लिखिए रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय अ वायर ऑफ द गिवेन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय अ वायर ऑफ द गिवेन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी लिख लिए लाइन छोड़ के। It is also defined as the resistance of unit cube of a material of the given conductor. ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए हेयर ध्यान से सुनना है। अब हेयर रो इक्वल टू क्या आ गया आपका, आर ए बाय एल, हाँ या ना। तो चलिए लिखते हैं हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ओम मीटर, ठीक है। चलिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा रे, एम एल का पावर 3, टी का पावर -3 और आई का पावर -2। देखो तो ML3 टिक पावर -3 एक पावर -2 या एक पावर -2 तक, चलो नोट कर लिए। अब चलो तुम नोट कर लिया ना, लिखोगे सिंस R इक्वल टू, ये तो आपका होता है R इक्वल टू, ध्यान देना है यहाँ पे कि R इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो, तो अब रे प्यारे बच्चों यहाँ पे एंड R इक्वल टू रो एल वाई ए भी मैंने बोला, तो दोनों इक्वेशन को जब मैं कंपेरिजन करूँगा तो यहाँ से देखो तो रो इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रिलैक्सेशन टाइम, यानी रेसिस्टिविटी इक्वल टू आपका क्या फॉर्मूला आ गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर इनटू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ प्यारे बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वायर, यानी कंडक्टर वायर का रेसिस्टिविटी को कौन कौन फैक्टर्स इफेक्ट करेगा। तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट करेगा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना अधिक होगा उस वायर का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी उतना कम होगा। तो ये तो इस बात को बताता है ना कि जो मान लीजिए कि कंडक्टर यानी जो गुड कंडक्टर होगा उसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी कम होगा, और ये टोटली नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि हम किस मटेरियल के वायर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर कॉपर का यूज़ करेंगे तो उसका स्मॉल n का वैल्यू अलग होगा, अगर हम एल्यूमिनियम का यूज़ करेंगे तो उसका अलग होगा।
सिल्वर का यूज करेंगे तो उसका अलग होगा। फाइनली हमारा एक बात सिर्फ वेरिएबल है हमारा यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर वायर फॉर अ लॉन्ग टाइम देन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर डेफिनेटली गोज टू इंक्रीज एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट थर्मल वेलोसिटी दैट कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी दैट कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर गेनिंग द थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड विथ हाई वेलोसिटी फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एंड ड्यू टू दिस द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गोज टू डिक्रीज एंड देयर आफ्टर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वायर गोज टू इंक्रीज इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर गोज टू इंक्रीज इट मीन्स रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वायर ऑल्सो गोज टू इंक्रीज। हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो कॉमन फैक्टर्स को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स हैं जिस पे रेसिस्टेंस भी डिपेंड कर रहे हैं और रेसिस्टिविटी भी डिपेंड कर रहे हैं। रेसिस्टेंस सिर्फ लेंथ के प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टिविटी को लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसको मतलब है कि स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में कितना है और आपका रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या है, इस बातों पर ये डिपेंड करता है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो लिखो, यहाँ तक नोट कर लिए हो? लिखो, एक दो लाइन नोट कराएं, फिर आगे डिफिनेशन बेस्ड वाला पोर्शन आ रहा है, फिर टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा डिस्कशन करना होगा। लिखिए, हेडिंग दीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो देखते रहे, यहाँ फॉर्मूला आपका आ गया, इसमें पहला फैक्टर कौन, रो प्रोपोर्शनल 1/n। इसका मतलब क्या हो गया, लिखा जाए रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये सिर्फ बोर्ड वाले बच्चों के कारण इतना बात लिखाते हैं, नहीं तो हम बोल दिए मेरा टॉपिक कंप्लीट है, हम सिर्फ तुम लोग के लिए लिखा रहे हैं और तुम लोग भी याद नहीं रखते हो। द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, सुन रहे हो, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को, यानी किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर वायर के यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आपका नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन छोड़ के, वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ n स्मॉल n, यानी बार बार नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखने के बजाय वैल्यू ऑफ स्मॉल n डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। एज वी नो दैट स्मॉल n द वैल्यू ऑफ स्मॉल n डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, हेंस रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ठीक है। चलिए, दूसरा आपका है रो प्रोपोर्शनल 1/ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/tau। लिखिए, नोट कराऊं, लिखिए कि द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ब्रैकेट में टाउ ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। चलो बाबू रे, ध्यान देना है कि अब तो क्या है कि रूम टेम्परेचर पे और अलग अलग टेम्परेचर पे आपको रेसिस्टिविटी के वैल्यूज दिए रहेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी डिस्कशन हमारा बचा हुआ है कि एज वी नो दैट व्हाट, कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर गोज टू इंक्रीज इट मीन्स कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गोज टू डिक्रीज। दैट मीन्स कि इफ
एवरेज रिलेक्शन सेट टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज टू डिक्रीज, इट मीन्स दैट रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल गोज टू इंक्रीज. तो वेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर इंक्रीज, टाउ डिक्रीज, रेसिस्टिविटी इंक्रीज. ये बात याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं. चलिए अब लिखिए तो नेक्स्ट टॉपिक. अब हमारा फॉर्मूला बेस्ड कुछ टॉपिक आ रहा है, लिखिए तो करंट डेंसिटी. सुनो ना, करंट डेंसिटी से पहले ऐसा करें हम लोग, लेकिन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ग्राफ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल लिखो, डिफिनेशन जरूरी है. हाँ, ये जरूरत पड़ेगा. करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को बबूरे हम लोग डिनोट करते हैं जे से. लिखो करंट डेंसिटी ब्रैकेट में जे कॉमा कॉमा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी कंडक्टेंस. एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से. ठीक है, ये फैक्टर्स के बारे में हम लोग को किसी भी कंडक्टर वायर के बारे में आपको पढ़ना है. चलो प्यारे बच्चों, पहला हेडिंग हम लोग बनाते हैं करंट डेंसिटी. चलो तो प्यारे बच्चों, ध्यान देना है कि क्या हम लोग एक बात जानते हैं कि जो करंट हमारा है, बहुत शिद्दत और बहुत, इन लोग को लग रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे थे. किस तरह से हम लोग इस बार पब्लिकेशन के फेरा में पड़े हैं, रुला दिया. अप्रैल में ही तुम लोग को, बहुत सारे बच्चे को हम बोले कि जो भाई अप्रैल में शायद नोटिस तुम लोग के बैच में किए थे ना, तो तुम लोग में बहुत सारे बच्चे ऐसा ठान लिया कि सर पैकेज देंगे तब हम कोचिंग को, 3.5 लाख रुपया इतना खर्चा करने के बाद 1 महीना में बचता है जो भेज देंगे या सेम टाइम में दे देगा. और सब बार 50% पेमेंट भेजते थे आ जाता था, इस बार एकदम हम लोगों को परेशान. तो कैसे पता चलेगा किस में 12th है लिखा हुआ है, तो 12th के लिए ना मैथ, मैथे वाला ना खाली है, तो 12th का मैथ ना रखवा लो, 5 गो कार्टून 12th का मैथ, 5 गो केमिस्ट्री, 5 गो फिजिक्स, अब 5 गो 11th का भी, ये सब रखवा लो. अब बाकी मनीष जी बोलो वही पिकअप लेके जाएंगे वहाँ हॉस्टल वाले में लगा के और वहीं पे खाली करवा लेंगे. कितना नंबर ऑफ पैकेट उकेट है तो वो सब अपना काउंट कर लेना. 44 कार्टून है, कहाँ पे लिखा हुआ है 44? 42, 756 किलो है, 42 है, तो मंगा लो आज, दे ही दो इन लोग को. ठीक, अब तुम लोग का क्वेश्चन डिस्कशन उससे शुरू हो जाएगा, है ना. हाँ, क्या करोगे, समस्तीपुर में ये सब सुविधा नहीं ना है, पटना में भी सुविधा नहीं है जो बुक छाप दे. ये सब आता है दिल्ली से काम करा के, तो दिल्ली वाले लोग तुमसे कितना, उसको कितना माहौल बनाओगे फ़ोन पे, आधा पैसा मंगा लेगा, बोलेगा हम भेजवे नहीं करेंगे, तुमको बाकी पैसा भेजना ही पड़ेगा. तो ये सब के लिए हम मार्च में ही अवेयर थे, ऐसा नहीं कि हमको इस बात का अवेयरनेस नहीं था. GST जब से मोदी जी लाए हैं, कोई भी व्यापारी किसी को उधार सामान देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी टैक्स लग रहा है ना. तो हम पहले से अवेयर थे, तुम लोग को भी अवेयर किए, लेकिन तुम लोग को लगा कि भाई सर अपना माहौल दे रहे हैं. चलो अब ध्यान दो, ध्यान देना है, सुनो सब लोग, कि हम लोग एक बात तो जानते हैं क्या, कि करंट जो हमारा है किसी कंडक्टर वायर से जो फ्लो करता है, तो करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर में लगता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये परपेंडिकुलर में आपका यहाँ पे हिट करता है. दूसरा, अभी तुरंत आपको मैंने गॉस थ्योरम पढ़ा के इस चैप्टर में एंट्री ही कराया है. कंडक्टर वायर का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो बहुत बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा है, और उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, एरिया वेक्टर. समझ गए? तो चलिए, यहाँ पे आपका है कि द अमाउंट ऑफ करंट, या व्हेन द अमाउंट, व्हेन द करंट पासेस थ्रू द, ध्यान से सुनना है, व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर वायर, देन द अमाउंट ऑफ करंट प्रेजेंस इन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर वायर, अमाउंट ऑफ करंट प्रेजेंस इन यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर वायर इज नोन बाय करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय J = I/A. तो लिख पहले इसका डेफिनेशन लिख, फिर मैं इसका कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ. द अमाउंट ऑफ करंट, अभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे थे, अब मन ही मन हम सोच रहे थे कि आज फिर मंडे है, आज तुम लोग को पैकेज के बारे में तुम लोग पूछोगे तो हम क्या जवाब देंगे. अब वो मेरे को कब भेजा है जानते हो, आज से 17 दिन पहले फ्राइडे को, अब भेजा नहीं है, भेजा है 5 दिन पहले, थोड़ा झंझट हो गया. पेमेंट वो कह रहा था कि 50%, तो ये वो चलो फाइनली आ गया, तो हम लोग का अब टेंशन ख़त्म, अब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अब किसी तरह से हम लोग अपने सिलेबस को पूरा करें, देखा जाएगा. है कुछ पैसा बचा हुआ है, 50-55 हज़ार और बचा हुआ है,
हम बोले आप नहीं भेजोगे तुम पे केस करेंगे, तुम फर्जी की हो, मेल पे कमिटमेंट करते हो 50% पेमेंट भेजने, बाद में तंग कर रहे हो। अब तुम लोग ने उल्टा इंस्टीट्यूट के साथ करना कि सर आप भी आगे नहीं दे रहे हैं तो हमसे क्यों मांग रहे हैं। द अमाउंट ऑफ करेंट फॉलोइंग FLOWING है ना, फॉलोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट, पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया, अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया, प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द करेंट, प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द करेंट, इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द करेंट, यानी जिस एरिया को आप करेंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके नॉर्मल में अगर आप रखे हुए हो तो उस एरिया में, यूनिट एरिया में जो अमाउंट ऑफ करंट आपका प्रेजेंस होगा उसको हम लोग करंट डेंसिटी कहेंगे। और करंट डेंसिटी जे इक्वल टू आपका आई बाय ए होता है, लिख लो जे इक्वल टू आई बाय ए लिखो। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी फुल स्टॉप। इट्स डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, समझ गए, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, को दिक्कत। चलो वी नो दैट आई इक्वल टू क्या रे प्यारे बच्चों, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी है ना। तो देखो तो यहाँ से आई बाई ए इक्वल टू एन ई वी डी ना, तो यानी आपका करेंट डेंसिटी के साथ जो रिलेशन आ गया वो एन ई वी डी, लिखो जे इक्वल टू एन ई वी डी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ गए। बताओ आगे लिखो, ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला एम का पावर जीरो, एल का पावर टी का पावर जीरो, आई का पावर वन। अब रे प्यारे बच्चों एक बात को ध्यान दे जरा, मान लो कि हमारे पास एक वायर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक वायर का हम लोग स्ट्रक्चर इस तरह से इमेजिन करते हैं, ध्यान देना है। इसमें आपका एक हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ की बात करते हैं, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आपका ये, और तीसरा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये मैं बात करता हूँ, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन, ये आपका ए टू और ये आपका ए थ्री। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट इससे आपका आई पास कर रहा है, सुन रहे हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आपका करंट आई आपको इससे पास हो रहा है। अब आपको करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, करंट डेंसिटी जो यहाँ से आप अगर जे वन निकालेंगे तो ये आपका आई बाय ए वन, यहाँ से जे टू तो आई बाय, और यहाँ पे जे थ्री आई बाय ए थ्री। प्यारे बच्चों ए वन का वैल्यू ए टू से छोटा है और ए वन का वैल्यू ए थ्री से बड़ा है, ये बात तो मालूम है हेयर। तो देखो जे का वैल्यू, तो आपका जे का वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ा किसका होगा, जे थ्री का, उससे बड़ा किसका होगा जी, जे वन का, और सबसे छोटा किसका होगा, क्या सब लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत, जल्दी। ये सब पे क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन खूब है और नीट में खूब क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड में तो पूछता है, बोर्ड में इसका डिफिनेशन जितना बात लिखा है इतना बार 2 मार्क्स हम पूछेगा। CBSE का क्वेश्चन बैंक तुम लोग ले सकते हो अब, और उसको चैप्टर वाइज बनाना शुरू करो और रट्टा मारना शुरू करो। लिया है क्वेश्चन बैंक, हम लोग सप्लीमेंट तो देंगे ही लेकिन तुम लोग क्वेश्चन बैंक लिया है ना, तो उसका क्वेश्चन बनाओ, सैंपल पेपर है कि क्वेश्चन बैंक है, हाँ तो बनाओ उसको पर ईयर वाला, बिना उसका सॉल्यूशन देखे हुए, सॉल्यूशन सब गलत रहता है,
तुम बनाओ अपनी कॉपी से ढूंढ के जो जो चैप्टर पढ़ लिए हो, जो नहीं बनता है वो पूछो, उसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे, और उसको समझ में आए तो गुड, और नहीं समझ में आए तो रट जाओ, क्योंकि पहले बोर्ड में फर्स्ट करोगे बाद में कलेक्टर या डॉक्टर बनोगे। तो बोर्ड के लिए क्या, बोर्ड में मान लो तुमको कॉपी में जो लिखा हुआ रहेगा उस पर नंबर आता है, तुम कैसे कॉपी में लिख दिया उसको देखने गया है? नंबर हमेशा नंबर होते हैं, उसकी बहुत प्रतिष्ठा होती है अपने आप में। मैं उस पल को महसूस किया हूँ कि जिसमें नंबर का बहुत वैल्यू था, किसको किसको इसमें मैथ्स का पैकेज लेना है, कितने बच्चे हैं हमारे खड़े हो जाइए तो बोल दें हम, दो, एक, दो और तीन, तोरे पहलवान तुम भी है, बोर्डे का करो ना तैयारी, अभी बीमार तुम ऑलरेडी पड़ गया था, इतना छूट गया तुम्हारा, क्या कहते हो? ज़्यादा डोज देंगे फिर तबीयत खराब हो जाएगा, ले लेना अभी, ठीक है अभी सब लोग निकलना, हो गया अब नीचे कर हाथ। चलिए अब लिखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से तो आपका करंट डेंसिटी के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो जे इक्वल टू एनी वी डी, समझ गए, याद रहेगा ना? चलो अब बढ़े आगे लिखो, अब लिखना है हम लोग को कंडक्टेंस लिखना है, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस जी, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस ब्रैकेट में कैपिटल आर, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस ब्रैकेट में कैपिटल आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, दैट इज क्या, जी इक्वल टू क्या रे बच्चा, 1/r। देखो तो 1/r का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, तो 1/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर ए एन ई स्क्वायर टाउ न रे, तो कंडक्टेंस का यहाँ से फॉर्मूला तुम्हारा आ गया ए एन ई स्क्वायर टाउ बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लेंथ, लिख लो कंडक्टेंस, इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। चलो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज पर ओम, 1/r है तो पर ओम, अब पर ओम को ही बोलते हैं महो, MHO है ना, अच्छा इसी को साइमन भी बोलते हैं। कैपिटल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस तो चलो क्या होगा, m⁻¹, l⁻¹, t⁻³, i⁻²। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस m⁻¹, l⁻¹, t⁻³, i⁻²। चल नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ब्रैकेट में सिग्मा, इसको नोट कर लिया तुम लोग, लिखो जल्दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी ब्रैकेट में रो है ना ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। चलो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, तो सिग्मा दैट इज, सिग्मा इक्वल टू क्या, 1/ρ आ गया ना। अब चलो तो यहाँ से ध्यान देना है, रो का फॉर्मूला क्या निकाले हैं हम लोग, अरे रो का क्या फॉर्मूला निकाले हैं, एन ई स्क्वायर, अभी रो का फॉर्मूला निकाले थे ना यहाँ पे, ये कहा गया, यही तो निकाले हुए हैं ना, तो चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये ऊपर आ जाएगा ना, तो चलिए रो इक्वल टू आपका आ गया एन ई स्क्वायर टाउ बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो लिखो, अब लिखो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इज, तो देखो रे यहाँ पे ध्यान देना है, रेसिस्टिविटी का क्या हम लोग एसआई यूनिट पढ़े हैं, ओम मीटर पढ़े थे ना, तो 1/ohm 1/m, तो यानी पर ओम पर मीटर, लिखो पर ओम पर मीटर, यहाँ पे पर ओम पर मीटर, और सुनो पर ओम को क्या बोलते हैं, महो पर मीटर, और महो को ही क्या बोलते हैं, द साइमन पर मीटर,
ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला। चलो प्यारे बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना है। डायमेंशन फॉर्मूला m का पावर माइनस वन, l का पावर माइनस थ्री, नहीं बोल रहे हो, t का पावर माइनस थ्री और i का पावर टू, और t का पावर थ्री होगा, माइनस थ्री नहीं। हाँ चलो, हो गया, लिखो, हो गया। अब लिखो रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जे यानी करंट डेंसिटी, है ना, कैपिटल जे कोमा सिग्मा यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। रिलेशन बिटवीन कहाँ पे बता दूँ, मिटा दें इसको, या यहीं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन जे कोमा सिग्मा एंड ई आ गया। देखो तो वी नो दैट आई इक्वल टू ए एन ई, ठीक है। तो चलो तो वी डी इक्वल टू क्या जानते हो, आई इक्वल टू ए एन ई। फाइनली देखो आपका यहाँ से आई बाय ए इधर लिख लिए, एन ई स्क्वायर टाऊ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिख सकते हैं। I by A इक्वल टू क्या जानते हो, देखो रो इक्वल टू होता है, रो इक्वल टू क्या वहां निकाले हैं, ठीक है। तो आपका यहां से क्या ये एन स्क्वायर टाओ एम ई बाई सिग्मा है ना, इसको वन बाय तुम रो भी लिख सकते हो, या तुम इसको जे इक्वल टू सिग्मा ई भी लिख सकते हो। दिस इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, लिखना है इसके रिजल्ट के बाद, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब नेक्स्ट लिख लिया, इट इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट लिखो रिलेशन बिटवीन, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स बनाने में तुमको काम आएंगे। अब लिखो रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर पढ़ाए थे ना प्यारे बच्चों। तो चलो तो अब वी हैव, अब तो आपका क्या मिल गया, जे इक्वल टू सिग्मा ई, है ना। तो देखो सिग्मा ई को हम लोग ई बाय रो भी लिख सकते हैं, और जे को वन बाय ए भी लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू, सुनो आई इक्वल टू तो ए एन ई वी डी, तो ए से ए कैंसिल, तो एन ई वी डी बचेगा, हाँ है ना। अच्छा चलो एक बात और यहाँ पे ध्यान दो कि वी डी इक्वल टू क्या निकाले हो, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर का रिलेशन निकाले थे ना, याद करो, बताओ क्या होगा। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर के टर्म्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू ई, क्या होता है, म्यू ई, नहीं पढ़ाए हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे लिखा हुआ, वो तो अलग ना है वी डी के टर्म में, वो तो है वी डी इक्वल टू म्यू ई नहीं होगा, अरे पीछे ही फॉर्मूला है। तो वी डी इक्वल टू क्या म्यू ई जानते हो, तो देखो तो यहाँ से ई बाय रो इक्वल टू एन ई म्यू ई लिखोगे, ई से ई कैंसिल, तो वन बाय रो इक्वल टू आपका क्या आ गया, एन ई म्यू ई, या और ध्यान से सुनना है, रो इक्वल टू वन बाय एन ई म्यू ई, जहाँ म्यू क्या है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रो क्या है रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज मैंने आपको छोटा छोटा फॉर्मूला जो हमारे यूज किए हैं उसको मैंने आपको फिनिश कर दिया है। अब चलिए नेक्स्ट में थोड़ा सा डिस्कशन पे आ जाऊँ, सब लोग लिसन, कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, यानी किस मटेरियल का कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, किस मटेरियल का कंडक्टिविटी कम होगा। तो फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द कंडक्टिविटी वी नो दैट कि कंडक्टिविटी इज इनवर्स फॉर्म ऑफ रेसिस्टिविटी, एंड रेसिस्टिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, हाँ है ना, यानी जिस मटेरियल का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी कम होगा, और जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो हम लोग डिफाइन किए हैं रेसिस्टेंस के बारे में इन द टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि द मटेरियल इन विच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर एंड मोर, दैट इज नोन बाय कंडक्टर, एंड द कंडक्टर कंडक्टिविटी इज मोर, रेसिस्टिविटी इज वेरी लेस। एन एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन,
iron, such and such materials, yeah, all metals are known by conductor and all metals conductivity is higher. फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंसुलेटर पे कि द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल इज वेरी लेस इज नोन बाय इंसुलेटर एंड रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी हाई एंड कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर इज वेरी लेस एग्जांपल ड्राई वुड प्लास्टिक रबर ग्लास एटीसी. फिर नेक्स्ट हमारा सेमीकंडक्टर आता है. सेमीकंडक्टर में आपका नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका इंसुलेटर से ज्यादा और कंडक्टर से आपका कम होता है. इन द सेमीकंडक्टर चार्ज विदाउट कंडक्टिंग कैन बी ट्रांसमिट इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी किसी सेमीकंडक्टर में बहुत मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के चार्ज को तो वो कंडक्ट तो नहीं करेगा लेकिन ट्रांसमिट करता है ना. तो सेमीकंडक्टर का मेरा कंडक्टिविटी क्या होगा, इंसुलेटर से ज्यादा होगा और कंडक्टर से कम होगा. रेसिस्टिविटी इंसुलेटर से कम होगा, इंसुलेटर से ज्यादा होगा. सॉरी रेसिस्टिविटी इंसुलेटर से कम होगा और कंडक्टर से ज्यादा होगा. समझ गए, एक ये डिस्कशन. अब इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक का डिस्कशन है ध्यान से सुनना है. तो सीधा बात है आपको कि कंडक्टर हम लोग बोलेंगे जिसका कंडक्टिविटी वेरी हाई है, इंसुलेटर बोलेंगे जिसका कंडक्टिविटी वेरी लेस है या नील है, सेमी कंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर. अब हम लोग को टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ना है. टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस के बाद ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल पढ़ना है. फिर उसके बाद हम लोग कार्बन कलर कोड पढ़ेंगे और फिर कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ेंगे. ऑलमोस्ट इसका फर्स्ट पार्ट खत्म. फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग सेल वगैरह को पढ़ना है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है. उम्मीद है इस वीक में इसको निपटा देंगे. तो कोई दिक्कत अभी तक का कोई कन्फ्यूजन तो पूछ लो नहीं ना. चलो थैंक यू.